उपभोक्ता का बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन, बजट सेट और बजट रेखा, चेंजेस इन द बजट सेट में बदलाव, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का इष्टतम चयन। सबसे पहले हम समझते हैं उपभोक्ता के बारे में। जो वस्तुओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, और उपभोक्ता के पास एक अपनी आय राशि होती है, एक अपनी आमदनी होती है जिसे वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है। बजट सेट और बजट रेखा। अब उपभोक्ता की आय मान लीजिए एम है, एक्स वस्तु की कीमत पी वन है और वाई वस्तु की कीमत पी टू है। अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है वो सौ रुपये है, एक्स वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 20 रुपए है और वाई वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 10 रुपए है। अब ये एक इक्वेशन बनाता है जिसमें एम इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m by px equal to qx और m by py is equal to qy। अब जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा, उपभोक्ता का जो आय है वो 100 हो जाएगा और पी एक्स एक्स वस्तु की जो कीमत है वो है 20 रुपीस और वाई वस्तु की जो कीमत है वो है 10 रुपीस। तो ये क्वांटिटी एक्स जो है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से समझते हैं, ये सेट है और यहाँ पे एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु। तो एक्स वस्तु का दाम जैसे हम जानते हैं कि 20 रुपये है और वाई वस्तु का दाम जो है वो 10 रुपये है। तो जब उपभोक्ता के पास 100 रुपये रहेंगे तो वो एक्स वस्तु का अगर एक सेट में 0 ले रहा है तो वो वाई वस्तु का 10 लेगा, क्योंकि उसके पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये के 10 रुपये मूल्य का है तो वो 10 वस्तु ले सकता है, 10 वस्तु ले सकता है। वैसे ही फिर 20 सेट है जिसमें अगर उपभोक्ता एक वस्तु का अगर एक लेगा तो उसके 20 रुपये खर्च हो गए तो उसे यहाँ पे 8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही ग्रुप सी है जिसमें वो दो वस्तु ले रहा है तो यहाँ पे उसके 40 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो उसके पास जो पैसे बचेंगे उसका वो बस 6 ले पाएगा वाई वस्तु। डी सेट जिसमें वो तीन वस्तु ले रहा है और उसको फिर वाई वस्तु जो है उसे 4 ही लेने पड़ेंगे। वैसे ही ई सेट में उसे अगर वो फिर इंक्रीज करता है 4 तो उसे बस 2 ही वाई वस्तु लेने पड़ेंगे। एफ में अगर वो 5 ले रहा है उसके सारे के सारे जो 100 रुपये हैं वो खर्च हो जाएंगे और उसे वहाँ यहाँ पे वाई वस्तु 0 लेने पड़ेगी। अब इसे अगर हम एक्स वाई एक्सिस पे अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाई वस्तु के साथ यहाँ पे 10 है और एक्स वस्तु के साथ यहाँ पे 5 है, तो ये जो कंज्यूमर है उसका ये बजट लाइन हो गया और यहाँ पे वो ये सारी जो सेट है वो ले सकता है, जैसे कि 0, 10, x वस्तु 0 और y वस्तु जो है उसने 10 लिया, वैसे ही 1, 8, फिर यहाँ पे 2, 6 हो जाएगा, 3, 4, 4, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 0। तो अपनी बजट के अनुसार उपभोक्ता जो है वो ये सारी चीज़ें, ये सारी सेट का जो कम्बिनेशन है वो सारे ले सकता है और इसके अंदर भी वो ले सकता है, जैसे कि 01, 02,
03 और बहुत सारी ऐसे सेट वो ले सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बजट समूह, बजट समूह। बजट सेट में बदलाव, बजट सेट में बदलाव तब संभव है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती या घटती है या फिर वस्तुओं के दाम बढ़ते या घटते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आय जब बढ़ता है तो उपभोक्ता को ऐसा फील होगा कि उसका जो बजट है वो बढ़ गया है। तो ये बजट लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ क्रॉस, यहाँ से यहाँ जाएगी और इसका मतलब है कि आय उपभोक्ता का बढ़ गया है और वो दोनों वस्तुओं का यानी कि एक्स और वाई का दोनों वस्तुओं का वो अधिक मात्रा ले सकता है। वैसे ही जब आय घटता है उपभोक्ता का तो जो बजट लाइन है उसे उपभोक्ता को ऐसा फील होता है कि दोनों वस्तुओं के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और उसका जो बजट लाइन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जब आय घटता है तब ये परिवर्तन होता है। इसी तरह जब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो मानिए कि अगर एक वस्तु की कीमत में कमी आई तो उपभोक्ता को ये लगेगा कि उसका इनकम बढ़ गया है और वो एक वस्तु का ज़्यादा मात्रा लेगा। तो ये बजट लाइन जो है ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। अगर एक वस्तु के कीमत में अगर एक वस्तु का दाम अगर बढ़ जाएगा तो बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उपभोक्ता को लगेगा कि उसका बजट जो है वो कम हो गया है और वो एक वस्तु की मात्रा जो है वो कम लेने लगेगा। तो ये जब दाम बढ़ता है तब की स्थिति है और ये जब दाम किसी वस्तु का कम होता है तब की स्थिति है। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। तो एक उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन होता है वो किसी भी बिंदु पर हो सकता है। मानिए कि ये उपभोक्ता का बजट रखा है जहाँ पे वो कोई भी सेट ले सकता है, यहाँ से कोई भी सेट ले सकता है और उसका इष्टतम चयन उस जगह होगा जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करेगा। तो मानिए कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और ये एक इंडिफरेंस कर्व है। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं IC1, IC2, IC3। ये IC3 के बारे में उपभोक्ता सोच भी नहीं सकता है क्योंकि उसकी जो बजट लाइन है वो इससे नीचे है। तो उपभोक्ता के को इन दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा और हम लोग देखते हैं कि ये IC1 जो है वो बजट लाइन के अंदर है, यानी कि यहाँ पे अगर उपभोक्ता कुछ भी खरीदेगा तो उसके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे तो उपभोक्ता ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेगा। इसलिए उपभोक्ता इस इंडिफरेंस कर्व पे वो खरीदना पसंद करेगा जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस बजट लाइन को टच करता है और यहाँ पे उपभोक्ता का बजट लाइन और ये जो है वो दोनों टेंजेंट है और उपभोक्ता यहाँ पे अपना इष्टतम चयन महसूस करेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को।